आज की इस वीडियो में हम इंक्लाइंड प्लेन और विज यानी पाना के हवाले से सीखने की कोशिश करेंगे। एन इंक्लाइंड प्लेन इज अ स्लोप, ढलवान सतह जो होती है ये एक स्लोप होता है। किस तरह इट इज़ यूज्ड, ये ढलवान सतह या इंक्लाइंड प्लेन जो होता है इट इज़ यूज्ड, यूज़ किया जाता है टू लिफ्ट लिफ्ट अप के आपके इसके जरिए से उठा सके अ लोड एक लोड को। बिकॉज इट इज़ ईजियर, क्योंकि ये आसान तरीन तरीका होता है टू मूव अप इन ऑब्जेक्ट के किसी चीज़ को आप मूव कर सको मुतहरिक कर सको अलॉन्ग इन इंक्लाइंड प्लेन इंक्लाइंड प्लेन के ज़रिए से। इंस्टीड ऑफ लिफ्टिंग इट स्ट्रेट अपवर्ड, बजाय इसके कि आप सीधा उसको ऊपर उठा सको। यानी ढलवान सतह एक ढाल होती है, ये किसी वजन को आसानी से उठाने के लिए इस्तेमाल होती है, क्योंकि किसी चीज़ को ढलवान सतह पर रखकर ऊपर उठाना सीधा ऊपर उठाने की निस्बत आसान होता है। रैंप स्टेयरकेस स्लाइड लोडर एंड स्लोपिंग रॉड्स आर एग्जांपल्स ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। रैंप जीना स्लाइड लोडर और ढलवानी सड़कें ढलवान सतह की एग्जांपल है। दूसरा हमारे साथ है विज, अ सिंपल मशीन विच इज़ यूज टू सेपरेट टू ऑब्जेक्ट आर कट अ पार्ट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड विज। अ सिंपल मशीन एक सादा मशीन विच इज़ यूज जो इस्तेमाल होता है टू सेपरेट टू ऑब्जेक्ट के दो चीज़ों को सेपरेट कर सके अलहदा कर सके आर कट ए पार्ट या कट कर सको या काट सको ए पार्ट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एक टुकड़ा किसी ऑब्जेक्ट का इज कॉल्ड विज उसको हम विज कहेंगे। टू इंक्लाइंड प्लेन्स फॉर्म्स अ शार्प एज, दो इंक्लाइंड प्लेन्स जो होते हैं वो बनाते हैं एक बारीक तेज किनारा। इन इट उसके दरमियान में नाइफ चाकू एंड एक्स आर एग्जांपल्स ऑफ विज, ये इनकी चरी और कलहाड़ी जो है पानी की कुछ मिसालें हैं। और फ्रंट टीथ आर विज, हमारे फ्रंट टीथ जो होते हैं वो विज कहलाते हैं। बिकॉज दे कट डाउन फूड, क्योंकि ये खुराक को काटते हैं। यहाँ पे विज विजेस इट इज़ अ सिंपल मशीन, ये एक सिंपल मशीन होता है। इट इज़ ट्राइंगुलर, क्योंकि ये ट्राइंगुलर शक्ल का होता है इन शेप शक्ल में। एंड थिन ऑन वन साइड, एक साइड पे थिन होता है बारीक होता है। एंड थिक ऑन दी अदर साइड, और दूसरे पे मोटा होता है। इट इज़ यूज्ड, ये इस्तेमाल किया जाता है टू सेपरेट टू ऑब्जेक्ट, दो चीज़ों को जुदा करने के लिए अलहदा करने के लिए। द वुड कटर यूज इट टू ब्रेक द फूड, वुड कटर जो होता है वो उसको लकड़ियाँ तोड़ने के लिए इस्तेमाल करता है। इंटू टू पीसेस, दो टुकड़े करने के लिए वुड कटर जो होता है वो इसको इस्तेमाल करता है। इंक्लाइंड प्लेन इट इज़ अ सिंपल मशीन फॉर लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट अप टू अ हाइट, यानी ये एक सिंपल मशीन होता है जो चीज़ों को एक ऊंचाई तक उठाने के लिए इस्तेमाल होता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए प्लेन सरफेस, ये एक प्लेन सरफेस पर मुश्तमिल होता है। दैट मेक्स इन अक्यूट एंगल, ये एक 90 से कम एक्यूट एंगल बनाता है विद द ग्राउंड, जमीनी सतह के साथ। ये वाला एंगल, ये मिथ्स में हम पढ़ेंगे एक्यूट एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल किस तरह होता है, ये हम आगे मिथ्स के क्लासों में पढ़ेंगे। तो ये एक्यूट एंगल बनाता है इन द कार पार्किंग एरियाज ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। ये आप देख सकते हो यहाँ पे कार पार्किंग एरियाज होते हैं मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग में। इंक्लाइंड प्लेन्स आर स्लोप आर यूज, ये इंक्लाइंड प्लेन या स्लोप जो होते हैं वो यूज होते हैं टू लिफ्ट कार अप टू अ डिजायर फ्लोर, एक डिजायर फ्लोर के तक उठाने के लिए। द स्टेयर केस नाइफ फॉर्क एंड मिनी टूल्स यूज्ड बाय कारपेंटर्स मेसन्स एंड गोल्डस्मिथ आर इंक्लाइंड प्लेन्स एंड विजेस, ये इनकी एग्जांपल है। ये सारी चीजें जो गोल्डस्मिथ इस्तेमाल करता है, मेसन इस्तेमाल करता है और कारपेंटर, इन सब के साथ ये सारी चीजें होती है।